अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हेल्दी सी डिश लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सिरी पाए और ये रेसिपी बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाएगी। आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए रात में जो है ना वो पाए रखने की ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह गैस भी नहीं होती और रात को तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसलिए आप इसे जल्दी से दिन में बना सकते हैं। तो हम इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से और जल्दी से रेडी करेंगे। तो जल्दी से इस मज़ेदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब यहाँ पे 8 अदद पाए हैं, छोटे पाए हैं, और इसको दरमियान से कट लगा लिया है। और उसके बाद एक सिरी है जो हमने इसके अंदर डाल दी है। तो सिरी पाए को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसके बाद मसाले ऐड करेंगे। 12 से 15 अदद लौंग, 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 छोटी इलायची यानी सब्ज इलायची डालेंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से 3 अदद प्याज इस तरह से बड़े बड़े काट लेने हैं और ये डाल देने हैं। उसके बाद लहसुन की 1 पूरी गट्ठी और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। अब हम इसे कवर करेंगे और तकरीबन आधा घंटे के लिए प्रेशर कुकर में पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। हम कंप्लीट अभी इन्हें पकाएंगे नहीं, हम आधे घंटे के लिए पका लेंगे। अब मसाला तैयार करेंगे इसका, और इसका मसाला तैयार करने के लिए हमें 1 कप ऑयल चाहिए होगा। अब इसमें प्याज डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज हैं जिन्हें स्लाइसिस में काट के इस तरह से डाल दिया है, और अब इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, इसे लाइट से गोल्डन कर लेंगे प्याज को। प्याज यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो चुका है, हम सिर्फ इसे थोड़ा सा और कलर देंगे ताकि बहुत अच्छा से रेडी हो जाए। तो अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा से रेडी हो चुका है, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसी के साथ हम 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मसाला रेडी कर लिया है, तो अब हम सिरी और पाए जो रेडी हो चुके थे वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम छान के जो है ना वो सारी बोटियाँ डाल रहे हैं। इस टाइम पे आपने अभी यखनी नहीं डालनी। देखिए कितना अच्छा सा और मज़ेदार सा सॉफ्ट सा ही गल चुका है। अच्छी तरह से हम सारा जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यखनी जो है ना इसके अंदर ऐड नहीं की, इसे अलग से रहने दिया है प्रेशर कुकर में, इसे हम बाद में डालेंगे। अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे बहुत अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ऑयल निकल आए और ये बहुत अच्छा सा पक जाए। अब यहाँ पे देखिए शाइनिंग आना शुरू हो चुकी है और ऑयल अच्छी तरह से निकल आया है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा ये रेडी हो जाए। इस तरह से सारा अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे। तो यखनी यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास बच गई थी, वो इसके अंदर सारी ऐड कर देंगे। और यखनी जब आप डालेंगे तो वो भी आपने छान कर डालनी है ताकि उसके अंदर जो साबुत मसाले हैं वो इसके अंदर ना जाएँ, वरना वो शोरबे में बहुत ज़्यादा इरीटेट करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हिलाएंगे, और सारा अच्छी तरह से हिलाने के बाद लास्ट पे इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और दोबारा से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देंगे, और कवर करके भी तकरीबन हम इसे आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा शोरबा रेडी हो जाए, बोटियाँ गल जाए और ऑयल अच्छी तरह से निकल आए। आधा घंटा हो चुका है, मज़ेदार सा हमारा सिरी पाए का सालन रेडी हो चुका है। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए हिला लेंगे और डिश आउट कर लेंगे।
जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार झटपट सी सिरी पाई की रेसिपी? और अगर आप इस रेसिपी के अंदर सिरी ऐड नहीं करना चाहते, तो आप जस्ट पाई बनाना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी मेथड के साथ बना लें आप। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और विंटर्स में तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें खाने का वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँगी और आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।